हेलो फ्रेंड्स, आज टेक्निकल एनालिसिस की इस क्लास में हम वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। पीछे की क्लासों में हमने पूरे के पूरे चार्ट पैटर्न को स्टडी किया, बहुत सारी चीज़ों को उसमें स्टडी किया। कैंडलस्टिक पैटर्न हमने समझा, चार्ट पैटर्न हमने समझा, और हर बार जितनी बार भी मैं आपको ये पैटर्न समझा रहा था, हर बार मैं आपको बता रहा था कि वॉल्यूम का प्राइस एक्शन के साथ में क्या कोरिलेशन है, क्या कम्बिनेशन है। जब भी आप चार्ट को स्टडी करते हैं, तब आप बिना वॉल्यूम के उस चार्ट का स्टडी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस सिर्फ वॉल्यूम से पता लगती है। तो वॉल्यूम एक पल्स मीटर की तरह काम करता है किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी चार्ट के ऊपर। कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट बिना वॉल्यूम के किसी भी चार्ट के बारे में कोई भी एंटिसिपेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वॉल्यूम इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। और वॉल्यूम होता क्या है साथियों, वॉल्यूम मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स जो भी मार्केट में जो ट्रेड होते हैं, जितनी भी ट्रेडिंग हुई होती है मार्केट में, चाहे वो नंबर ऑफ शेयर्स के उसमें देखे जाए या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर फ्यूचर की मैं बात करूं, तो जो भी ट्रेडिंग हुई है, ट्रेडिंग पे जो भी नंबर जनरेट हुए हैं, जितने भी शेयर्स उस मार्केट में ट्रेड हुए हैं, वो सारे के सारे वॉल्यूम कहे जाते हैं। और ये वॉल्यूम जनरेट कहाँ से होता है? वॉल्यूम के जनरेशन से पहले हमें समझना होगा कि मार्केट में जो पार्टिसिपेशन होता है इन्वेस्टर्स का, वो कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं, कौन से ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो शेयर मार्केट में बाय और सेल करते हैं, जो वॉल्यूम्स जनरेट करते हैं मार्केट के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ क्रिकेट से। जैसे कि अब क्रिकेट का एक मैच होता है, और उस मैच के अंदर जो वहाँ पे स्पेक्टेटर्स पहुँचे हुए होते हैं, उन स्पेक्टेटर्स में कई तरीके के स्पेक्टेटर्स होते हैं। अगर उनको कैटेगरी वाइज अगर मैं डिवाइड करूँ, तो उसमें आप देखेंगे नॉइस मेकर्स होते हैं कुछ, कि जो सिर्फ ताली बजाने का काम करते हैं, उसको एंटरटेन करने का काम करते हैं। कुछ वहाँ पर चीयर लीडर्स होते हैं, जो कि जैसे भी जिस भी जो भी प्लेयर्स वहाँ पर गेम में हैं, वो जो भी खेल रहे हैं उनको चीयर्स करते हैं, उनके हर शॉट्स के साथ में, हर विकेट के साथ में उनको चीयर करने का काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं पिकनिकर्स, जाते हैं वो भी मैच देखने ही है, लेकिन वो पिकनिकर्स होते हैं, वो अपनी छुट्टी को एंजॉय करने जाते हैं, वो अपने टाइम को एंजॉय करने जाते हैं, और एज ए एंटरटेनमेंट उस मैच को देखने वहां पर जाते हैं। अब कुछ लोग उसमें होते हैं इन्फॉर्म्ड स्पेक्टेटर्स, जिनको जानकारी होती है मैच के बारे में, जो मैच की समझ रखते हैं, जो क्रिकेट की समझ रखते हैं, वो इन्फॉर्म्ड होते हैं उसके बारे में कि क्या चल रहा है, कब क्या खेला है, कब किसने खेला है, कैसे खेला है, तो उनको उसके बारे में जानकारी होती है, नॉलेज होती है, तो वो इन्फॉर्म्ड स्पेक्टेटर्स होते हैं। और कुछ उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि डीपली उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं मैच को, जो मैच चल रहा है उसमें डीपली एग्जामिन कर रहे होते हैं, जिसमें मैं कहूँगा स्पेक्टेटर्स भी लोग उन्हीं में शामिल होते हैं, कमेंटेटर्स उनमें शामिल होते हैं, और बहुत सारे जो उसके ऊपर अपना अपना व्यूज देते हैं, एनालिसिस देते हैं, न्यूज चैनल्स के ऊपर जो आते हैं, इस तरीके के बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, उसमें कोचेज होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो उस मैच का हिस्सा होते हैं। ठीक इसी तरीके से शेयर मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें नॉइसेस होते हैं, जो नए नए मार्केट में ट्रेड करना सीखे होते हैं, उनको अभी मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, अभी अभी मार्केट को सीखे हैं। एमेच्योर्स होते हैं, मार्केट में एंट्री किए हुए कुछ समय हो गया, लेकिन अभी वो मैच्योरिटी जो आनी चाहिए थी उनको एनालिसिस के बारे में या शेयर की ट्रेडिंग के बारे में, अभी वो मैच्योरिटी उन्हें नहीं आई है, वो सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं बिना किसी सोच के और बिना किसी समझ के, तो वो इस तरीके के ट्रेडर हो गए। कुछ मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि थोड़ी समझ रखते हैं, थोड़ा सोच के समझ के, थोड़ा पेशेंस के साथ में ट्रेड करते हैं, और कुछ मार्केट की समझ रखने की भी वो कोशिश करते हैं। प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स में जो भी इन्वेस्टमेंट उनका करते हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनली इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। उन्हें पता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या फिर खेलने की जगह नहीं है, स्टॉक मार्केट प्रोफेशनली एक बिजनेस है, और बिजनेस को प्रोफेशनली तरीके से वो बिजनेस को करते हैं। वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जिस स्टॉक में उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है उसको चार्ट पे स्टडी करते हैं अच्छे से, उसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं, उसके नंबर्स को देखते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां उसके लिए इकट्ठी करते हैं, उसके बाद में अपना एक गोल सेट करते हैं, गोल सेट करने के बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि वो प्रोफेशनली उस मार्केट को ट्रेड करते हैं। और अगले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब एक लार्ज स्केल पे बाय और सेल करते हैं मार्केट के अंदर, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, और वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जैसे कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट फंड्स हैं, जैसे कि मैं बात करूँ LIC, HDFC, ये क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो हो गए, ये क्या काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये स्टॉक में क्लाइंट्स का पैसा लगाते हैं, बल्क में पैसा लगाते हैं, और एक अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद में, अच्छी खासी डीप रिसर्च करने के बाद में, पूरे पेशेंस के साथ में, पूरे प्रोफेशनली मैनेज तरीके से एक अच्छे
अपने पास में पूरा का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट का पूरा पैनल बिठा के उस पर अच्छी रिसर्च करके तब वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर होते हैं या इसमें नोवेसिस होते हैं, ये सारे के सारे जो भी ट्रेड मार्केट के ऊपर करते हैं, ये ट्रेड वॉल्यूम जनरेट करने का काम करता है मार्केट में। तो इससे वो मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होता है। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम जब भी हम मार्केट में चार्ट को देखते हैं वो वहां पर हमें बताता है कि जो भी स्टॉक, जो भी प्राइस जिसका स्टॉक का चल रहा है, वो प्राइस को सपोर्ट कर रहा है या उस प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि पल्स मीटर की तरह काम करता है। हम एक एक्स वाई जेड किसी भी स्टॉक को देख रहे हैं और उसमें वॉल्यूम्स अगर अकॉर्डिंगली नहीं आ रहे, प्राइस का वॉल्यूम का जो एक्शन है वो जिस हिसाब का होना चाहिए वो हिसाब का पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं आ रहा है, तो वो आप ये मान के चलिए स्टॉक के बारे में जो प्रिडिक्शन है वो नेगेटिव प्रिडिक्शन है, यानी कि उसका जो भी ट्रेंड है वो ट्रेंड उसका वीक ट्रेंड है, वो अपने ट्रेंड में नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको एक चार्ट के जरिए आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से चार्ट के ऊपर वॉल्यूम काम करता है, ट्रेंड के ऊपर वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है। सपोज ये एक चार्ट का पैटर्न है, एक मार्केट का मूवमेंट है, अपवर्ड डायरेक्शन है, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर मार्केट का ये वाला फेस था, ये वाले फेस से मार्केट उठकर ऊपर की साइड मार्केट गया, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम थे एवरेज वॉल्यूम्स आ रहे थे और धीरे धीरे करके मार्केट ने जैसे ऊपर उठना स्टार्ट किया तो मार्केट ने वॉल्यूम्स ठीक जनरेट करने स्टार्ट करे। तो आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर गया और जो एवरेज वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम ये था मार्केट का, और अभी एवरेज वॉल्यूम क्या है, ये है। अगर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम अभी आ रहा है मार्केट में, ट्रेंड अपवर्ड है और मार्केट में जो वॉल्यूम आ रहा है वो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब जो ये ट्रेंड है मार्केट का वो ट्रेंड इंटैक्ट है, उस ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है, मजबूत ट्रेंड है। अगर इसमें वॉल्यूम्स कम आ रहे होते और मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा होता तो शायद हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये वाला जो ट्रेंड रहता वो ट्रेंड वीक ट्रेंड रहता, मार्केट डाउन साइड में मूव कर रहा है। देखिए अगर मार्केट डाउन साइड में मूव कर रहा है, ये वॉल्यूम्स एवरेज वॉल्यूम्स आ रहे थे, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाने लगा वॉल्यूम्स ये आने होने लगे, तो अगर आप इसको कंपैरिजन इससे करें तो एवरेज वॉल्यूम क्या रहा है, एवरेज वॉल्यूम पहले वॉल्यूम्स जो एवरेज वॉल्यूम था पिछला वाला उससे आज का जो एवरेज वॉल्यूम है, जब से मार्केट ने एक ट्रेंड सेट किया है नीचे की तरफ, वो वॉल्यूम्स बढ़ने लग गए, वॉल्यूम्स बढ़े और ट्रेंड नीचे की तरफ सेट हुआ, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ट्रेंड की ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ट्रेंड इसी हिसाब से होता और वॉल्यूम्स पहले तो ये वॉल्यूम्स आ रहे थे लेकिन अभी वॉल्यूम्स ये बिल्कुल श्रिंक होकर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ऐसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, एक आध बीच में स्पाइक्स आ रहा है, अगर इस तरीके का वॉल्यूम होता जो कि एवरेज वॉल्यूम से भी कम वॉल्यूम आ रहा होता पीछे जो एवरेज वॉल्यूम आया था, तो ये जो ट्रेंड है ये सस्पेक्ट रहता, सस्पेक्ट ट्रेंड रहता, यानी कि ये हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल था कि वॉल्यूम कम आ रहे हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम कम आ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट से कीप अवे, आप साइड में रहिए, या फिर ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रिवर्सल की तरफ जा रहा है, ये आपको उसका गेज की तरह काम करता है, आपको बताता है कि इसका ट्रेंड का जो ऑनगोइंग ट्रेंड है, जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये आपको डिमांड और सप्लाई को मेजर करने का काम करता है। वॉल्यूम मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बायर्स इसमें इंटैक्ट है, बायर्स इसके अंदर आ रहे हैं, मार्केट नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं तो इसमें सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स ज्यादा आ रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन ये वाली कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, यानी कि जो बायर है वो भी इंडिसिसिव वाली पोजीशन पर है, मार्केट ऊपर जरूर जा रहा है लेकिन वो सोचने पर मजबूर है कि ये जो ट्रेंड है ये इंटैक्ट है या नहीं है। तो जब भी इंडिसिसिव जैसी कंडीशन आती है तो वॉल्यूम्स श्रिंक होने मार्केट में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चार्ट पे थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये हम एक कैंडलस्टिक के ऊपर समझने की कोशिश करी, हम इसको ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे और समझते हैं कि जब चार्ट का पैटर्न कंप्लीट होता है उसके बाद जो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलते हैं उनमें ये इंपैक्ट किस तरीके से करता है। देखिए सपोज ये वाला चार्ट का पैटर्न है, ये चार्ट का पैटर्न बना और मार्केट मूव क्या कर रहा है, मार्केट ये वाला मूवमेंट दे रहा है, यहां वॉल्यूम्स ठीक थे, वॉल्यूम्स अच्छे थे यहां पर और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इसमें वॉल्यूम श्रिंक होने लगे, वॉल्यूम श्रिंक हुए, वॉल्यूम जब श्रिंक हुए तो हमें पता लगा कि किसी भी चार्ट का जो पैटर्न है वो इंटैक्ट नहीं है, यानी कि जो अपवर्ड जो ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हुआ है क्योंकि वॉल्यूम्स उसमें ड्राई होने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या था, ये पैटर्न एग्जॉस्ट हो गया था और हमें नेक्स्ट वेट क्या करना है, नेक्स्ट वेट हमें करना है कि जो इस पे मार्केट में ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए, उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर
वॉल्यूम्स किस तरीके के आएंगे, उस वॉल्यूम्स को देखकर ही हम अंदाजा लगा पाएंगे कि चार्ट का आगे का पैटर्न क्या है। इसमें अगर ब्रेकआउट आया, यहां पर ये ब्रेकआउट आया और वॉल्यूम्स इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए, ये वॉल्यूम्स आए, तब तो इसका ब्रेकआउट का जो ऑथेंटिकेशन है, जो इस पे कन्विक्शन जो हमें आएगा, वो कन्विक्शन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। अदरवाइज वो कन्विक्शन हमारा पुअर कन्विक्शन होगा। अगर वॉल्यूम यहाँ पे श्रिंक रहे, वॉल्यूम छोटे रहे, तो इसके ब्रेकआउट का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इस पे ब्रेकडाउन आता तो भी उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसी तरीके से अगर चार्ट डाउन ट्रेंड में चार्ट मूव कर रहा है और इस तरीके का चार्ट में पैटर्न बन के आता है और वापस से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की कंडीशन में ये ब्रेकडाउन आया और यहां पर अगर हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम यहां पर एवरेज वॉल्यूम ये वॉल्यूम आ रहे थे और लेकिन ब्रेकडाउन आने के बाद में भी ये वाले वॉल्यूम ही रहते हैं। अगर वॉल्यूम श्रिंक रहते हैं, छोटे वॉल्यूम ही रहते हैं, तो जो ये ब्रेकडाउन है, इस ब्रेकडाउन का कन्विक्शन बहुत अच्छा नहीं कन्विक्शन है। इस ब्रेकडाउन का ऑथेंटिकिटी और इसका रिलायबिलिटी कम है मार्केट से। कीप अवे फ्रॉम द मार्केट, आप बाहर रहेंगे मार्केट से। मार्केट में सिर्फ आप तभी एंटर करेंगे तब इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। और वॉल्यूम का मतलब सीधा सीधा क्या है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और वॉल्यूम अच्छे नहीं आए, इसका मतलब सप्लायर्स वाली जो साइड है अभी वीक है। सप्लायर वाली साइड, सप्लायर ये नहीं सोच पा रहा है, जो सेल साइड का जो बैठा हुआ, जो बीयर बैठा हुआ, वो अभी समझ नहीं पा रहा है कि मार्केट में जो ब्रेकडाउन आया वो ब्रेकडाउन इंटैक्ट रहने वाला है या नहीं। तो ये आपको ना एक पैरामीटर की तरह, एक गेज की तरह आपको काम करता है। आपको ये एक आइडिया देता है, एक एज ए होल मार्केट, पूरे मार्केट का कंक्लूजन आपको देता है कि मार्केट क्या सोच रहा है उसके बारे में। सारे स्पेक्टेटर्स, सारे ट्रेडर्स जो भी इस मार्केट को देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। जब आपको एक बड़ा डाटा आपके पास में होता है और वो डाटा होता है वॉल्यूम के तौर पर आपके पास में, जब आपको पता होता है कि एक वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है और मार्केट में ब्रेकडाउन आ रहा है, इसका मतलब जो मास लेवल का जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर इसके बारे में अभी वो वाले डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है जिस साइड में मार्केट मूव कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट में वॉल्यूम का किस तरीके से काम होता है। वॉल्यूम्स अच्छे, वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट आता है तो स्ट्रेंथ अच्छा है उसका, कन्विक्शन अच्छा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में नहीं आता तो कन्विक्शन कम है, हम वेट करेंगे वॉल्यूम जनरेट होने का। क्योंकि होता क्या है, कम वॉल्यूम के साथ में अगर ब्रेकआउट आया तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, इस ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी रहता है फेलियर होने का। मार्केट में वॉल्यूम भी जनरेट नहीं हुआ और मार्केट में ब्रेकआउट आया या मार्केट में ब्रेकडाउन आया या जो भी ट्रेंड था उस ट्रेंड के ऊपर वॉल्यूम आ रहा था, वो ट्रेंड ऊपर का था या ट्रेंड वो नीचे का था, उस पर जो वॉल्यूम आ रहा था वो वॉल्यूम कम आ रहा था, तो उसका जो ट्रेंड था वो इंटैक्ट नहीं था। वो ट्रेंड कभी भी वीक हो सकता है, कभी भी फैटिग हो सकता है, फैटिग होकर कभी भी वो टूट सकता है, रिवर्सल ले सकता है। पैटर्न पे भी यही काम करेगा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर भी यही काम करेगा। ब्रेकआउट आया, बेसिक ब्रेकआउट आ गया लेकिन वॉल्यूम्स कम आए, अगर वॉल्यूम कम आए तो आप ये सोचिएगा कि सस्पेक्टेड ब्रेकआउट है। अगर ब्रेकआउट सस्पेक्टेड है तो इसका वापस से मार्केट का टूटने का प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि अभी बायर वाली जो साइड है वो ट्रेंड के अंदर इंटैक्ट नहीं है, वो डोमिनेट नहीं कर रही है। वो बाय साइड पर जरूर है थोड़ा सा, तभी ब्रेकआउट आए, लेकिन बायर्स उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ इसने मार्केट में एंट्री नहीं किया जितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उसका होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट के होल सिनेरियो को देखेंगे, जो कंपोजिट सिनेरियो होगा मार्केट का वो देखेंगे। अगर उसका कंपोजिट सिनेरियो फेवर में है और वो बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तभी हम अपनी एंट्री लेंगे, तभी हम उसमें से एग्जिट करेंगे। जिस भी साइड की हमें पोजीशन लेनी होगी वो पोजीशन हम वॉल्यूम को देख के लेंगे। तो बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ, वॉल्यूम एक पैरामीटर का काम करता है, पल्स मीटर का काम करता है, आपको मार्केट को गेज करने जैसे इंडिकेटर का काम करता है वॉल्यूम से। अब ये हमें समझना होगा वॉल्यूम का गेम क्या होता है। वॉल्यूम मार्केट में समझेंगे जो वॉल्यूम है और जो प्राइस का एक्शन है उनका कोरिलेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। वॉल्यूम का और प्राइस एक्शन का कोरिलेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही जो प्रोजेक्शन आएंगे, जो एंटीसिपेशन आएंगे चार्ट के ऊपर, उसी के हिसाब से ट्रेड सेट होना चाहिए। तो एक टेबल के जरिए समझते हैं। सपोज कि मार्केट में ये इस तरीके के वॉल्यूम आ रहे हैं, वॉल्यूम है, अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं मार्केट में, वॉल्यूम ऊपर की साइड में आ रहे हैं और प्राइस भी मार्केट में ऊपर की साइड जा रहा है। आप देखिए ये वाला फेस, मार्केट में प्राइस भी लगातार ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स भी पहले वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं। तो ये वाला फेस जो रहेगा कौन सा फेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग फेस रहेगा मार्केट का। इस ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ रहेगा, कन्विक्शन जो रहेगा, कन्विक्शन अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहेगा। या फिर आप इसमें देखिए ब्रेकआउट के बाद में इसमें वॉल्यूम्स अच्छे हुए तो यहाँ कन्विक्शन जो आएगा ब्रेकआउट के बाद का अच्छा कन्विक्शन आएगा। अगर वॉल्यूम्स पुअर होने स्टार्ट हुए और प्राइस फिर भी बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन वॉल्यूम्स श्रिंक होने स्टार्ट हो गए,
हमने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था और वॉल्यूम्स यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम से भी नीचे आने लग गए थे, या फिर मॉडरेट से वॉल्यूम आ रहे थे, वॉल्यूम अच्छे नहीं आ रहे थे लेकिन प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये वाला फेस कौन सा फेस रहेगा? वीक फेस। यहाँ पे कन्विक्शन उतना अच्छा, कन्विक्शन एक एनालिस्ट का कन्विक्शन उतना अच्छा नहीं बन पाएगा क्योंकि लगातार वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है ट्रेडर्स का वो कम हो रहा है, बायर साइड के ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में कम ट्रेड कर रहे हैं, कम आ रहे हैं लेकिन प्राइसेस फिर भी बढ़ रहा है। तो एक फेज के बाद, एक टाइम के बाद में ऐसा एक एंटीसिपेशन आने लग जाता है कि ये प्राइस तो फैटिक हो सकता है और कहीं से भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है या फिर पॉज वाली कंडीशन में आ सकता है, तो जो ट्रेंड रहेगा वो इंटैक्ट नहीं रहेगा, वो ट्रेंड वीक ट्रेंड रहेगा। वॉल्यूम्स अगर एवरेज वॉल्यूम्स रहते हैं और प्राइसेस ऊपर रहता है तो जो फेस बनेगा वो बनेगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वाला फेस रहेगा, यानी कि मार्केट में प्राइस तो लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है प्राइस जा रहा है लेकिन वॉल्यूम थोड़े एवरेज हो गए हैं, एवरेज वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा डाउन वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, तो सस्पेक्ट तो नहीं है ट्रेंड के अंदर लेकिन वॉल्यूम एवरेज हुआ। एवरेज होने के बाद में एक एंटीसिपेशन में ये जरूर जाएगा माइंड के अंदर कि मार्केट साइडवेज मूव में आके फंस सकता है, तो साइडवेज मूव में आने के बाद में एक कंसोलिडेशन फेस में आने के बाद में वापस से अगर मार्केट में वॉल्यूम ठीक रहे और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तो वापस से ट्रेंड प्रिवेलिंग ट्रेंड रह सकता है, लेकिन एक बार के लिए मार्केट ट्रांजिशन फेस में जा सकता है, यानी कि यहां से ट्रांसफॉर्मेशन उस फेस का, उस ट्रेंड का हो सकता है। ये नहीं, प्राइस अगर मार्केट का ऊपर रहता है तो, अब वो वाला फेस देख लेते हैं कि जब मार्केट का प्राइस नीचे रहता है, अगर मार्केट डाउन साइड में रहता है, ये अपर साइड की हमारी स्टडी रही है, अब देख लेते हैं मार्केट अगर डाउन साइड रहता है तब वॉल्यूम के साथ में उस प्राइस का एक्शन कैसा रहता है। वॉल्यूम बढ़े और प्राइस गिरा, ये वाले फेस पे आप देखिए, आकर ये वाले फेस पे देखिए मार्केट गिर रहा है, पहले क्या था मार्केट का एक एवरेज वॉल्यूम था लेकिन मार्केट ने जब गिरना स्टार्ट किया तो वॉल्यूम्स अच्छे आने लगे, वॉल्यूम्स अच्छे आने लगे तो जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ट्रेंड है लेकिन वो इंटैक्ट ट्रेंड है, वो ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा, कन्विक्शन उसके लिए अच्छा रहेगा, तो यहां भी ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा। आप ये समझ लीजिएगा ये बाय साइड का ट्रेंड है और ये नीचे वाला डाउन साइड का ट्रेंड है, ये बाय ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। हम सिर्फ ट्रेंड का कन्विक्शन कर रहे हैं कि जो भी ट्रेंड है, जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड मार्केट का चल रहा है, उस ट्रेंड का कन्विक्शन कितना है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका स्ट्रॉन्गनेस कितना है, उसका रोबस्टनेस क्या है मार्केट के अंदर। तो जो भी ट्रेंड है, अभी क्या है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और वॉल्यूम्स अच्छा रहे हैं, यानी कि जो सेल साइड का जो कन्विक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, मार्केट नीचे ही रहने वाला है, नीचे की साइड में हम लोग मार्केट में प्ले करेंगे। वॉल्यूम्स अगर गिरते हैं और प्राइस भी गिरता है तब ट्रेंड क्या होगा? वीक, यानी कि मार्केट में जो भी गिरावट आई छोटे वॉल्यूम्स के साथ में आई, यानी कि सेलर्स मार्केट में एग्जॉस्ट होने लग गया है, सेलर्स इंडिसिजन वाली कंडीशन में है, मार्केट में है तो सेलर लेकिन सेलर का वॉल्यूम कम होने लग गया, इसका मतलब उसका पार्टिसिपेशन मार्केट में कम होने लग गया है, तो हमारा जो प्रोजेक्शन रहना चाहिए, जो हमारा एंटीसिपेशन रहना चाहिए, ये वार्निंग साइड में रहना चाहिए, मार्केट से या तो दूर रहें हम सेल साइड से, या फिर वेट करें कि कोई रिवर्सल आने जैसी कोई कंडीशन अगर बनती है तो उसका वेट करें। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आके ये जो ट्रेंड चल रहा है, प्रिवेलिंग ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड जो चल रहा है वो एग्जॉस्ट हो सकता है, और एग्जॉस्ट होने के बाद में जो नेक्स्ट मूव बनता है उसमें हम अगला ट्रेड और अगला ट्रेंड देखेंगे। अगर ये वॉल्यूम्स अगर आप देखिएगा, वॉल्यूम्स अगर एवरेज वॉल्यूम्स रहते हैं और प्राइस फिर भी गिरता है तो सेम ट्रांजिशन फेस, वॉल्यूम तो वॉल्यूम गिर रहे हैं, वॉल्यूम तो आपका एवरेज है लेकिन प्राइस गिर रहा है, तो ये वो वाला फेस ही आ जाएगा जैसे हम अप ट्रेंड में भी बात कर रहे थे कि वहां पर आके फैटिक फील कर रहा है प्राइस और वहां से आकर कहीं भी वो एक साइडवेज मूव के अंदर फंस सकता है, एक कंसोलिडेशन वाले फेस के अंदर मार्केट आ सकता है, और कंसोलिडेशन वाले फेस में आने के बाद में वापस से मार्केट डिक्लाइन करता है नीचे की तरफ या पैटर्न को रिवर्स करता है, वो डिपेंड करेगा कि वहां के जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएंगे वो किस वॉल्यूम के साथ में आएंगे। अगला स्टेडी ट्रेंड अगर रहता है, स्टेडी ही वॉल्यूम मार्केट के अंदर आ रहे हैं, स्टेडी ही उसका प्राइस है, यानी कि प्राइस भी स्लो मूव कर रहा है और वॉल्यूम्स भी बहुत ही एवरेज और बड़े पुअर से वॉल्यूम आ रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली कंडीशन रहती है, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, तो जहां स्टेडी वॉल्यूम्स हो, स्टेडी उसका प्राइस एक्शन हो, वहां उसको छोड़ दें, लिमिट
क्योंकि वहां आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। तो आज हमने प्राइस के साथ में वॉल्यूम का एक्शन समझा और ट्रेंड के साथ में हमने समझा कि ट्रेंड अगर जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उसके साथ में वॉल्यूम उसी हिसाब से मूव करता है कि नहीं करता, उसका क्या कोरिलेशन बनता है ट्रेंड का, प्राइसेस का और उसके वॉल्यूम्स का। पैटर्न के अंदर भी हमने समझा ब्रेकआउट्स पे मार्केट का वॉल्यूम किस तरीके से रिएक्ट करता है, ब्रेकडाउन पर वॉल्यूम किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके के वॉल्यूम्स आते हैं तब मार्केट में किस तरीके की एंट्री लेनी चाहिए, किस तरीके से एग्जिट करना चाहिए। तो आज हमने कंप्लीट प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन समझा। अगली क्लासेस में हम वापस से ओपन इंटरेस्ट और दूसरी चीजें लेकर आएंगे, लेकिन आज के लिए वॉल्यूम में इतना ही। और वॉल्यूम में मैं समझता हूँ लगभग लगभग हमारे पूरी चीजें कवर हो गई हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में ओपन इंटरेस्ट के साथ में हम लोग हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।